जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन लर्निंग जब हो रही है ना, मतलब ये हम खुद करके देख रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में ऐसा सिचुएशंस हमको बहुत जगह मिलती है। तो आज आपने क्या करना है, जहाँ भी कहीं हॉस्टल में जाएँ, स्कूल में कहीं जाएँ, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एडजेसेंट एंगल्स की खोज करो, ठीक है, लीनियर पेयर की खोज करो। तो क्या होगा कि आपकी चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, यू विल बी एबल टू रिलेट ऑल दिस थिंग्स, इजंट इट, यस और नो? यू विल बी एबल टू रिलेट दिस थिंग व्हेन यू आर रिलेटिंग द स्टडी विद योर थिंग्स, डेली लाइफ एक्सपीरियंसिस। व्हाट हैपेंस, यू विल डेवलप सम स्किल्स एंड दो स्किल्स विल बी हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, बिकॉज योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज विल कम आउट, यू योर सेल्फ विल नो, बिकॉज यस्टरडे यू मेड व्हाट, यू मेड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, इजंट इट? तो अब वो कभी आप भूलेंगे नहीं, यू विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग। तो क्लैप फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड क्लैप फॉर ईच अदर, वेरी गुड। यहाँ देखो बेटा, ये लिखना है ना, अब हम देख रहे हैं इस लाइन के और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल है, और इस लाइन के ट्रांसवर्सल ऊपर की तरफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या कहते हैं इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या है, ये जो पैटर्न बनाया है ये स्टिक के हिसाब से बनाया है, जो मॉडल बनाया है हमने, ठीक हो गया? अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ समझ में आएगा आपको, ठीक है, इसको और इसको मेजर करके देखो, ये एंगल वन और एंगल टू, ये दोनों क्या पेयर है, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर, ठीक हो गया? ठीक, तो एक पेयर क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, बोलो सब लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल आ रहा है, नैतिक कितना आया था, लिखो वहाँ पर कितना आया, लिखो फिर कितना आया उसको लिखो, अभी लो चौक ले लो मेरे से, लो, ठीक है? तो कब होगा, जब दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, काट रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर बनेंगे, फोर, कितने, फोर। पहला पेयर हमने देख लिया 40-40 डिग्री सेम आ रहा है, वो जो मॉडल बनाया था पिछले साल नाइन्थ के बच्चों ने, उसी से पता लग रहा है इसको, इन स्टिक्स को पैरेलल बनाओ बेटा, पैरेलल बनाओ, ये पैरेलल भी तो रहनी चाहिए, हाँ सही है, पैरेलल रहनी चाहिए, है ना? तो जब ये लाइंस पैरेलल हों और ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस क्या होंगी, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये दोनों एंगल्स, सॉरी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, रिपीट करो, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग देम एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड देर आर हाउ मेनी पेयर्स, फोर। लेट अस सी व्हाट पेयर्स विद अ मॉडल ऑल्सो वी कैन सी, है ना? इसी है अक्षय, ये सुजल ने बना दिया अक्षत के हेल्प से, और सारे बच्चे क्लास सेवन में है ना, तो ये एंगल 40 डिग्री आया था आपका, yes, sir. और इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा, ये भी 40 है, आके देख सकते हो, आके देखो, yes, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, नापो उस एंगल को, उस एंगल को मेजर करो, ये तो एक पेयर है, बाकी के तीन पेयर ढूंढने हैं आप लोगों ने, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ढूंढो। अब बेटा कैसे मेजर कर रहे हो अक्षत, इनको ठीक करो, कैसे मेजर करते हैं बताओ इनको, ऐसे, वेरी गुड, ठीक है, बेस लाइन पर रखोगे ना जीरो लाइन को, फिर जो लाइन जो जीरो उस पर लाई कर रहा है उस वाले स्केल को पकड़ के आप बताएंगे कितना 40 आ रहा है, yes, sir. है ना? तो इसका मतलब हमने जो कहा वो सब क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, इजंट इट, है कि नहीं? ओके, yes, sir. Okay.